just a friendly बोल रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए तो फाइनली माय ऑर्डर इज देयर सो यू वी हैव राजश्री पान मसाला प्रणिपात दोस्तों, तो चलते हैं थाईलैंड की ओर। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पासपोर्ट, रिटर्न फ्लाइट टिकट, आपका फॉरेन करेंसी और पावर बैंक वगैरह, ये सब चीज़ें आप ज़रूर रखें। और हम चलते हैं आप दिल्ली के एयरपोर्ट जो कि है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल वन, टर्मिनल टू, टर्मिनल थ्री। तो हमको चलना है टर्मिनल थ्री में। टर्मिनल थ्री से ही सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आपको मिलती हैं। और जब आप टर्मिनल थ्री जाते हैं तो आपको ये रोड बहुत सुंदर मिलता है। जैसे ही हम टर्मिनल थ्री पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप कार पार्क नहीं कर सकते, आपको बाहर ही रुकना होगा और आप ये बोगी लेके अंदर चले जाइए। उसके बाद जो बाहर का गेट होता है वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, तो आप अपना पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट दिखाएंगे तो वो आपको अंदर एंट्री दे देंगे। आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपको एक स्क्रीन मिलेगी जहाँ पर आपको अपनी फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट का क्या स्टेटस है, डिले है या टाइम पर है, ये सब चीज़ें चेक करनी है। और गेट नंबर चेक करने के बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर जाना है। ये ऐसे मत करें, आपको हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड भगा दें एयरपोर्ट से। उसके बाद अगर आप करेंसी एक्सचेंज कराना भूल गए हैं तो आप एयरपोर्ट पे भी करा सकते हैं, बट एक सजेशन रहेगा कि आप एयरपोर्ट से ना कराएं क्योंकि महंगी होती है। लेकिन अगर आप बाहर से करा रहे हैं तो उसका आप बिल ज़रूर लें क्योंकि कभी कभी इमिग्रेशन पर मांग लेते हैं। ये सारी थाईलैंड की करेंसी है, तो आप एयरपोर्ट पर भी करा सकते हैं अगर आप इनकेस भूल गए हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं एयरपोर्ट में अंदर, जो कि दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला है डोमेस्टिक, दूसरा है इंटरनेशनल। तो अगर हमें आउट ऑफ इंडिया जाना होता है तो हमें इंटरनेशनल सेक्शन में जाना होता है। ये आप अपने ट्रेवल लुक की फ़ोटो खींच सकते हैं। और फिर हम चलते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर की ओर। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्डिंग पास लेना होता है, तो आपका जिस भी एयरलाइन का टिकट है आप उसके काउंटर पर जाएँ, अपना फ़्लाइट टिकट आप दिखाएं, उनको पासपोर्ट दिखाएं, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा लगेज होगा वो रख लेंगे। उसके बाद वो आपको एक बोर्डिंग पास दे देंगे जिसको लेके आपको उस पर गेट नंबर देखना है और बोर्डिंग पास को लेके आपको जाना है। जैसे ही आप इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे, इमिग्रेशन पे आपकी एक स्टाम्पिंग होगी पासपोर्ट की। उसके बाद फिर आप पहुँचेंगे एक ड्यूटी फ्री एरिया में। दोस्तों, ड्यूटी फ्री एक ऐसा मार्केट होता है जो कि उस कंट्री के लॉज और ज्यूरिडिक्शन के बाहर होते हैं। ये एक तरीके से बाजार टाइप का होता है जहाँ पर बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस पर मोस्टली चीज़ें जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई होती है, यहाँ पर नहीं लगती है। तो मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि टोबैको हो गया, लिक्कर हो गई, चॉकलेट्स हो गया, ज्वेलरीज हो गई, जिन पे बहुत हाई टैक्सेस रहते हैं, वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। हालाँकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में लैंड करेंगे और कस्टम्स ऑफिसर्स ने आपको रोका तो आपको उनकी कस्टम ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी, बट कभी कभी नहीं देखते हैं तो आप निकल भी सकते हैं। और ये इन पे इतना हाई टैक्स होता है कि आपको फिर भी थोड़ा बहुत ऑफ मिल ही जाता है। तो उसके बाद फिर हमको चलना है अंदर ड्यूटी फ्री से परचेजिंग करके। और यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, लॉन्जेस होते हैं, जहाँ पर हम आपको अगर भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। बट क्योंकि डिपार्चर के 45 मिनट पहले हमें अब हमारे गेट नंबर पर पहुँचना होता है, तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुँचें। तो एंट्री तो 15 मिनट पहले तक भी होती है, बट कभी कभी फ़्लाइट में रश होता है तो आपको पहले ही पहुंचना है। तो हम जैसे ही गेट पे पहुंचते हैं तो गेट पे आपको ये मिलेगा, गेट नंबर 4A है जैसे, तो यहाँ पे आपको पहुंचना है, अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। उसके बाद आप बस से पहुंचते हैं ये एयरप्लेन के बाहर। एयरप्लेन के बाहर ये एरिया होता है, ये लास्ट टाइम होता है जब आप फ़्लाइट के बाहर ज़मीन पर रहते हैं। इसके बाद आप फिर एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, यानी फ़्लाइट के अंदर जाते हैं। फ़्लाइट के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ व्यू दिखता है, आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं और अपनी सीट देख के आप बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि अगर इनकेस कभी फ़्लाइट की इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, इमरजेंसी में लैंडिंग करना पड़ा, तो कहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे, कहाँ से आप क्या करेंगे, कहाँ से आपको ऑक्सीजन मास्क मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको जो केबिन क्रू या एयर होस्टेस होती हैं वो आपको बताती हैं। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुने क्योंकि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंस्ट्रक्शन से आपका बहुत काम इजी हो जाता है। इसके बाद फिर प्लेन तैयार होता है टेक ऑफ के लिए। और अगर आपको टेक ऑफ में थोड़ा सा डर लगता है तो आप ईयरफोन लगा के आप अपने गाने वगैरह सुन सकते हैं क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड में चलता है प्लेन। ये देखिए टेक ऑफ के पहले और बहुत ही बढ़िया एकदम नज़ारा होता है, ये देखिए सब कितना शोर मचा रहे हैं।
और हम जैसे ही उड़ते हैं तो एकदम दिल्ली हमें ऊपर से दिखता है, जो कि एकदम भोला भाला सा शहर दिखता है। कोई देख के कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है। जब हम दोस्तों टेक ऑफ करते हैं तो बहुत ही एक अलग टाइप की फीलिंग होती है पेट में। हालांकि आप अगर गाने वाने सुनते रहें तो फिर आपको नहीं लगेगा उतना, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है, तो आप व्यू को एंजॉय करें। ये देखिए आप सड़कें दिख रही हैं, बीच में पूरे शहर के बीचों बीच से ये जा रहा है। एरोप्लेन में खाने पीने का इंतज़ाम भी होता है, लेकिन अक्सर ये काफ़ी महंगा होता है, तो अगर आप होममेड स्नैक्स कैरी करें तो बढ़िया, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जनरली 200-300 रुपए का आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो ये एक महाशय सो रहे थे, बढ़िया मज़े कर रहे थे। फ्लाइट का जो वॉशरूम होता है ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है, बहुत ही मतलब जगह को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है इस वॉशरूम को। जब आप लॉक करते हैं इसको तो आपकी लाइट जल जाती है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें ये जो कमोड होती है ये भी बड़े अच्छे से रहती है। इसका जो स्प्रे होता है या जो फ्लश होता है वो बहुत ही फास्ट एयर सक्शन से ड्राइव होता है। इसके बाद आप देखें तो ये छोटा सा वॉश बेसिन होता है सिंक टाइप का, टिश्यू पेपर्स भी होते हैं। यहाँ से ये प्रेस वाला बटन होता है जो कि आप प्रेस कर सकते हैं, और हैंड वॉश भी रखा हुआ होता है, बट इस पर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आप इसको क्लीन रखें। इसके बाद यहाँ पर एक कोट का भी स्पेस होता है, तो आप इसको कोट को भी टांग सकते हैं। ये थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो गया, और अब आप देखिए कि ऊपर से कितना सुंदर व्यू है। तो करीब 4 से 4.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट के बाद हम दिल्ली से पहुंचते हैं बैंकॉक, और जब हम लैंड कर रहे होते हैं तब भी थोड़ा सा पेट में लगता है, बट रिलैक्स रहिए, आराम से सब निकल जाता है। और जैसे ही हम फ्लाइट से बाहर निकलते हैं तो एक ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम फ्लाइट से डायरेक्ट बाहर निकलते हैं, और वहाँ पर गाइड करने के लिए लोग खड़े हुए होते हैं, और हम डायरेक्ट आ जाते हैं बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब दोस्तों आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जो आपका सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए फ़ोटो खिंचवाने के बाद, वो है कि अब आपको वीज़ा बनवाना है। तो वीज़ा ऑफिस हम चलेंगे डायरेक्ट, तो ये बीच बीच में हमें रास्ता मिलता है जो कि हमें डायरेक्ट वीज़ा ऑफिस तक ले जाता है। उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका इंडियन पासपोर्ट, और आपका जो भी ट्रैवल बुकिंग्स हैं वो आप उनको दिखाइए। अगर आप अपनी पासपोर्ट फ़ोटो भूल गए हैं तो आप यहाँ खिंचा सकते हैं, बट काफ़ी कॉस्टली होती है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंडिया से लेके आएँ। ये कंट्रीज़ के नाम हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं, और ये हमारे टूरिस्ट हैं जो कि बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और कुछ ही काउंटर्स चल रहे हैं वीज़ा के, तो यहाँ पर एक लंबी खासी लाइन होती है, और लाइन में लगने के बाद फिर आपका वीज़ा बन जाता है, और फिर आप आइए सिम ले लीजिए। Whenever you are coming to get the SIM in Thailand or Bangkok, please take it. SIM आप एयरपोर्ट से ही लें, आपको भले ही 7 दिन के लिए रुकना हो या आपका 15 दिन का स्टे हो। जो एयरपोर्ट से आप सिम खरीदते हैं तो उसकी एक तो इकोनॉमिकल पड़ती है, और दूसरा आपको अच्छा खासा उस पर डिस्काउंट और ऑफ मिल जाता है। अगर आप सिटी में लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और हम निकल आते हैं एयरपोर्ट से बाहर, तो ये है बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का पूरा नज़ारा, और हम चलते हैं अब डायरेक्ट होटल की ओर। ये आप वहाँ का रोड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रोड बनाया हुआ है एकदम, क्योंकि अब हम डायरेक्ट पटाया सिटी जा रहे हैं, तो बैंकॉक से पटाया का ये रास्ता है, एकदम यमुना एक्सप्रेस वे जैसा रोड बनाया हुआ है। एकदम हम सुबह के टाइम पहुंच गए हैं अपने होटल, और होटल पहुंचते ही मैंने देखा कि पूरे होटल एकदम लॉर्ड बुद्धा और पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हैं उससे सजाया हुआ है। ये हमारे केयर टेकर्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी हॉस्पिटैलिटी दी हमें। ये हमारे ड्राइवर हैं जो कि हमें इस होटल में लेके आए थे, और उन्होंने बता दिया था कि आप जितनी जल्दी सुबह निकल जाएंगे पटाया सिटी के लिए उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, कम भीड़ मिलेगी। इसके बाद हम निकलते हैं सुबह से एकदम पटाया सिटी की ओर। उसके बाद हम निकल चुके हैं, तो हमें ये रास्ते में कुछ जगह मिली थी, एक मुझे बिल्डिंग बिल्कुल अम्रपाली नोएडा जैसी मिली थी, तो मैंने उसकी ये वीडियो बनाई थी, एकदम अम्रपाली प्लेटिनम वाली वाइब दे रही थी ये बिल्डिंग। इसके बाद हम आ गए हैं दोस्तों पटाया सिटी, जो कि बहुत फेमस सिटी है। जैसे बैंकॉक और फुकेत फेमस है, वैसे ही पटाया भी फेमस है, और यहाँ पे आप ये एक फ़ोटो अच्छी फ़ोटो आती है यहाँ पर। और अब हम चलेंगे डायरेक्ट बोट की ओर। बोट हमें सी शोर से हमारा जो मेन आइलैंड है जिसको जो कोरल आइलैंड है वहाँ पे लेके चलेगा। वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि पैरा स्लाइडिंग,
अंडर सी वॉक और आप मछली वगैरह को खाना खिलाते हैं तो आप सीधे आपको वहाँ ले जाते हैं। इसका आपको पैकेज मिल जाता है, इसमें अच्छी खासी बार्गेनिंग चलती है, तो आप कर सकते हैं। लगभग आपको 5-6 हज़ार रुपये में सारी वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है पैरा ग्लाइडिंग, और इसके पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन मिले उनको आप बड़े ध्यान से आपको उनको सुनना है, क्योंकि अंडर वाटर जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। और ये मैं हवाओं में आ गया हूँ, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और ये फास्ट फॉरवर्ड में ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए और अब मैं ये योगा कर रहा हूँ हवाओं में, और अब मैं हवा में एकदम दौड़ूंगा तगड़क तगड़क अब एकदम ओहो देखिए तो अब ये होगी एकदम टोनी स्टार्क वाली एंट्री। और ये ऐसे पैराशूट वो लोग निकाल लेते हैं, और बहुत अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप एकदम हवा में ऐसे उड़ के आते हैं। ये देखिए मेरा रिएक्शन। इसके बाद ये हम लेज मिलती है वहाँ पे, लेज भी मिलती है जो कि सेम रहती है, बस उसमें थाई लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि होगी अंडर वाटर। ये दीदी हैं और ये देख नहीं रही थी ओह देख लिया दीदी ने, इस बार देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी जो कि है अंडर वाटर। ये देखिए मछलियाँ, इनको हमने ब्रेड खिलाई थी तो ये हम लोग के पास आ गई थी। और ये पूरा कोरल आइलैंड है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसमें बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि आप 30-40 फुट पानी के नीचे रहते हैं, तो आपको एक तो हेलमेट का 4 किलो का प्रेशर रहता है ये जो लगाए हुए हैं, और आपको पानी का भी प्रेशर होता है। ये पीछे इंस्ट्रक्टर पकड़े हुए रहते हैं और एक ऐसा पोल टाइप का रहता है जहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपने आपको सुखा सुखू के एकदम निकल गए हैं अब बीच की तरफ, जहाँ पर हमारी जेट्स की बनाना राइड और ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो ये हम आ गए हैं बीच। ये बहुत ही सुंदर रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड भी रहता है क्योंकि एक तो बहुत लंबा रहता है, कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, और आप काफ़ी दूर तक, कम से कम आप 60 फुट तक जाएंगे तो भी आपको 5 फुट गहराई ही पानी मिलेगी, तो काफ़ी सही रहता है। और ये बॉलीवुड स्पाइसेस रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छा है। और ये हम पटाया सिटी, हमारा शेड्यूल ख़त्म हो गया और हम चलते हैं बैंकॉक सिटी की तरफ। अरे वो तो यार देखो ऐसे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं यार, कोई ऐसा मूड नहीं रहता है, जहाँ जैसा दिख जाएगा। तो ये मेरा जवाब था जब मेरे साथ के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये वीडियो क्यों बना लेते हो इसलिए बना लेते हैं कि सब देखा जाए कि क्या है कैसा है। ये हम आ गए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द जो ब्रांड्स हैं ये सब हमारे यहाँ भी अवेलेबल होते हैं। मोस्टली मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं, पेप्सी का हो गया, हेड एंड शोल्डर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब के प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है। विमल नहीं मिला दोस्तों, ना राश्री मिला ये सब चलता रहता है। अब हम आ गए हमारे होटल जो कि मैपल होटल है, काफ़ी अच्छा होटल था इसका, हम जल्दी से रूम टूर कर लेते हैं। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं आजकल जो नए होटल्स हैं उसमें चलता है, आप ये ऐसे चाबी लगाइए तो गेट खुल जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अंदर। कहीं कहीं कार्ड को इंसर्ट भी करना होता है, और कहीं कहीं आप कार्ड जैसे ही लगाते हैं तभी सारी लाइट्स जल जाती हैं। तो ये रूम है, रूम जैसे इंडिया में होते हैं मोस्टली वैसे ही रूम्स होते हैं, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं होता है। बस कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो वॉशरूम होता है उसमें पानी अवेलेबल नहीं होता है, और बाकी तो सेम ही रहता है। ये हमारी बालकनी है, बालकनी से ये पूरा बाहर का व्यू है, और ये बेड्स लगे हुए हैं और सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि कवर्ड्स में क्या क्या उन्होंने चीज़ें दे रखी हैं। ये एक बाथरूम दिया है, ये एक हैंगर्स और सिक्योरिटी के लिए एक शेल्फ लॉक दिया है। हम देखते हैं वॉशरूम, वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, और एक वॉश बेसन है नहाने का है, और जेट भी अवेलेबल है, मतलब पूरा टिश्यू पेपर वाला सीन नहीं है, पानी भी अवेलेबल है, हेयर ड्रायर है, और बाकी जितनी भी अमेनिटीज़ रिक्वायर्ड है वो सारी हैं। हाय।
और एक नए टाइप का मुझे स्विच बोर्ड वहाँ पे देखा जो कि मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। ये पुश वाला बटन था कि आप कैसे पुश करके आप सारे चीज़ देख सकते हैं। जैसे ये मास्टर स्विच है, ये आपका बाथ का है, ये डोर का है और सीलिंग का है। ये अलग अलग स्विचेस हैं जिससे सारी चीज़ें ऑन ऑफ हो जाती हैं। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब जल्दी सो जाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो ये आ गए हम सुबह एकदम नाश्ता करने। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं तो ये सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम निकलते हैं घूमने। दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ एंड वेरी हैप्पी स्टे इन थाईलैंड। सो गाइज दिस इज थाईलैंड हॉस्पिटैलिटी विच यू नो इट्स नोन फॉर। क्योंकि वो पूरा जो सीज़न था वो बहुत ही काफ़ी टूरिस्ट सीज़न था तो बहुत रश था, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी हम लोग की, तो इसलिए मैं अलग से थैंक यू बोलने गया था रिसेप्शन वाले लोगों को। और ये पूरा आप देख सकते हैं रोड रोड में, और ये टोल है, जैसे हमारे यहाँ टोल होता है फास्टैग एंट्री वाला, वैसा मुझे भी वहाँ पर टोल देखा तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लें। बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस वहाँ पे ह्यूमन नहीं होते हैं जैसे हमारे यहाँ कुछ कुछ टोल्स में होते हैं। अब तो हमारे यहाँ भी आप जब फास्टैग हो गया है तो नहीं होते हैं, बट लगभग सेम ही रहता है। वहाँ की अगर मैं कार्स की बात करूँ तो मोस्टली टोयोटा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा चलता है। कुछ कुछ जर्मन ब्रांड्स जैसे कि मर्सिडीज़, ऑडी और जैगवार, फरारी, ये सब भी रहते हैं, बट मोस्टली हमारे टोयोटा और सुजुकी के ब्रांड्स होते हैं। अब हम चलते हैं रोड से, हमको सबसे पहला स्टेशन मिलता है बांग सुए ग्रैंड स्टेशन, जो कि बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है बैंकॉक का। और आप देखिए कि ये कब तक चलेगा, एकदम अंदर से रोड इसमें जा रहा है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि इसमें ना एक बहुत बड़ा फब्बारा भी है जो कि आप देख सकते हैं। और जैसे हम फब्बारा क्रॉस करते हैं तो ये हमें यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स मिलेंगे जो कि करीब 7-8 प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका एक मेंटेनेंस सब स्टेशन है जहाँ पे सारी ट्रेन्स और मालगाड़ियों का रखरखाव होता है। ये देखते हैं हम अलग अलग बिल्डिंग्स शॉर्टकट में। ये वहाँ का कंटेनर वाला एरिया है जहाँ पे, क्योंकि बैंकॉक खुद में ही एक सी सिटी है, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो कंटेनर्स होते हैं जो जहाज़ों के माध्यम से आते हैं, जो मर्चेंट नेवी और अदर प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनीज लाती हैं, तो ये पूरा एक डॉकयार्ड बना हुआ है जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये और रोड से चलते हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। ये देखना, ये गाड़ी हम में आके गली 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 गली, ओ ड्राइवर इज़ अ प्रो। और ये देखिए पुलिस स्टेशन का हेडक्वार्टर है ये बैंकॉक का, काफ़ी बड़ा हेडक्वार्टर है, कम से कम उसमें 70-80 मंजिल तो होंगे आराम से। ये पूरा लोगो लगाया हुआ है उन्होंने बैंकॉक पुलिस का, काफ़ी बड़ी और अच्छी सुंदर बिल्डिंग है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ के जो स्टॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि ये बर्गर किंग है, बर्गर किंग वैसे तो सेम होता है बट थोड़ी सी पैटी अलग होती है तो उतना मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे ये सॉस अनलिमिटेड होता है और अलग तरीके से खुलता है, ये ऐसा रहता है, यहाँ से आप केचप ले सकते हैं। अब मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में ये था तो इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था, नहीं तो इसको दोनों हाथ से आप ऐसे उसी नीचे लगा के आप टोमेटो या चिल्ली सॉस आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मुझे मसालों में डिफरेंस लगा, वहाँ के मसाले खाने में फीके थे। आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अपना अचार ले जाइए, ये वहाँ का एक डिफेंस इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी बड़ा है। खाने पीने के लिए आप मसाले ले जा सकते हैं, जैसे ब्लैक पेपर है, हल्के फुल्के, टेबल सॉल्ट हो गया, क्योंकि थोड़े से मसाले वहाँ पे डिफरेंट रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं नाइट लाइफ वहाँ की, और काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है अलग अलग जगह पर। अब दोस्तों मैंने वहाँ पे कुछ ऐप चेक किए कि चलते हैं या नहीं चलते हैं। सबसे पहले मैंने देखा ओला, तो ओला की तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई कैब अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने देखा कि चलो ऊबर चेक करते हैं, तो मैंने जैसे ही ऊबर ऐप खोला तो उसमें मैंने देखी अलग अलग लोकेशंस के कहाँ पर कैब्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर भी कोई मुझे ऐसी खास दिखी नहीं। ऊबर में भी कोई कैब वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर एक ऐप है ग्रैब GRAB, वो चलता है, बट अगर आप ऑटो वालों से बात करके जाएंगे तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। बाकी अगर आपको रात वात में कैब नहीं मिल रही है तो आप ग्रैब ऐप से बुक कर सकते हैं वहीं पे। और ऐसा लग रहा था मैं के ड्रामा में आ गया हूँ एकदम। और ये जो पटाया टर्मिनल है वहाँ की
रखी है, पूरे आईफिल टावर बना रखा है एक मिनिएचर। ये वहाँ का सेंट्रल प्लाजा मॉल है जो कि काफ़ी फेमस है शॉपिंग वॉपिंग के लिए। हम थोड़ा सा पैदल निकलते हैं, रात को गश्त मारते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं कि कैसा क्या है। दोस्तों आज हम हैं ये थाईलैंड के बैंकॉक शहर के मर्सिडीज बेंज के शोरूम में, बंद हो चुका है, और यहाँ पे मार्वल का काम है और रात का समय है। आप देख सकते हैं खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा है, देखते हैं। अभी एक मैंने पाव लिया था और मुझे क्या है कि कुछ वेजिटेरियन बोलना था, तो 7-Eleven में मैंने बोला कुछ वेजिटेरियन दो, तो मैंने फिर ट्रांसलेट करके देखा तो उन्होंने कुछ दिया मुझे, एक और खाया, बहुत बुरा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रक्स लगे हुए हैं, यहीं पे KFC है, क्योंकि अब हमको वापस इंडिया निकलना है तो खाना पैक कराना है, तो KFC से कुछ कराते हैं क्योंकि इस टाइम कुछ खुला और नहीं है। तो ये हम देखते हैं पेट्रोल पंप यहाँ पर ये लगा हुआ है, और ये बिल्कुल लगभग सेम ही टू सेम है। ये बस है वहाँ की जो I've ordered this awesome rice in, you know, Thailand's KFC and I'm super excited. Okay, let's see what it comes. So finally my order is there, so I'm going to pick it up. Okay, yeah. देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सब सामान, so these are the rice, okay, which I ordered. Oh my God, ये तो फंसा के चावल बनाती है। Oh my God, धोखा था, फायर स्कैम। ओ दूसरे दूसरे कटोरा में भी सादा चावल धरे। ये राइस के नाम पे सादा चावल धरे। तो हम निकल गए हैं अब अपना खाना पैक करा के एयरपोर्ट की तरफ, और ये लगभग अपना Terminal 3 जैसे ही है, बस थोड़ा सा इसकी रूफ जो है वो बड़ी है और काफ़ी बड़ा है। तो अब रात का टाइम है जहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है, तो ये सारी सामान रखने की ये लगी हुई है लाइन से, और ये थाई एयरवेज है, और हम चलते हैं अंदर। सबसे पहले वही प्रोसीजर, फिर आपको अब अपना फ्लाइट में देखना है कि कौन सी एयरलाइंस है उसकी वो चेक करनी है, और इसके बाद आपको बोर्डिंग पास बनवाने के लिए अंदर जाना है। ये खंताल जी देखिए कैसे आ रहे हैं ये वहाँ के जो देवता हैं या राजा हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं। तो ये जब आप बोर्डिंग पास लेने आएंगे तो जो आपका ट्रॉली होगा वो इस तरीके से ये चिट चिपका देते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि लोग महीने महीनों महीनों निकालते हैं, कि उन्हें लगता है कि वो ट्रेन में भी जाएं तो उन्हें उनके साथ के लोगों को लगे कि देखो भैया ये तो फ्लाइट में ही ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी थाईलैंड की पूरी जर्नी, जिसमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और दोस्तों मेरा भी आप लोगों को यही सजेशन है कि ट्रैवल करिए, क्योंकि ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बेसिक और चटपटे मज़ेदार घूमने वाले फैक्ट्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले कोई ब्लॉग में ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।